जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में जिसका नाम है रीत नॉलेज डिग्री। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में। भारतीय रेल का नेटवर्क आज दुनिया में अमेरिका, रूस एवं चीन के बाद चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वहीं तकनीक के मामले में भारतीय रेल इनसे काफ़ी हद तक पीछे है। भारतीय रेल का नेटवर्क 1.16 लाख किलोमीटर लंबा है। इस नेटवर्क पर 15,000 रेलगाड़ियां दौड़ती हैं और ये 6,000 स्टेशनों को जोड़कर रखती हैं। गौरतलब है कि करीब 2 करोड़ लोग रोज रेलगाड़ियों के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। भारतीय रेलवे दुनिया में शायद सबसे सस्ता रेलवे है, जहाँ 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जाता है, जबकि बसों में किराया इससे 10 गुना ज़्यादा है, यानी 1 रुपये प्रति किलोमीटर के करीब। टिकट दर कम होने से यात्री रेलगाड़ियों से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। वह इसलिए रेलगाड़ियों के डिब्बों में लोग खचाखच भरे रहते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे का इतिहास बहुत ही पुराना है। देश में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रेल पटरी पर दौड़ी थी। वहीं पहली यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली। इस 35 किलोमीटर के सफर में भाप के इंजन के साथ कुल 14 डिब्बे थे। यात्री डिब्बों को वातानुकूलित करने का कार्य 1936 में पूरा हो गया। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे अधिनियम को 1890 में पारित करवाया गया था व इसका राष्ट्रीयकरण वर्ष 1950 में हुआ था। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 13.1 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। दोस्तों नई रेलवे लाइन डालने व अन्य सुविधाओं के लिए भारतीय रेल को काफ़ी पूंजी की ज़रूरत है, पर राजनीतिक कारणों से पिछले कई सालों में रेलवे का इतना कम किराया बढ़ाया गया जो आज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। वोटों की राजनीति के चलते ही भारतीय रेलवे को मोहरा बनाकर किराए में बढ़ोतरी नहीं की जा रही, जिससे भारतीय रेलवे का कायाकल्प नहीं हो पा रहा है। जनता की सुविधा हेतु 3 तरह की रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं, जिन्हें पैसेंजर, एक्सप्रेस और मेल के नामों से जाना जाता है। किराए की बात की जाए तो इनमें से सबसे कम किराया पैसेंजर ट्रेन का होता है, फिर एक्सप्रेस और मेल का सबसे ज़्यादा किराया होता है। पटरियों की बात करें तो भारतीय रेलवे में 3 तरह की पटरियाँ होती हैं, बड़ी लाइन, छोटी लाइन व संकरी लाइन। इनमें से बड़ी लाइन की पटरियों का नेटवर्क भारत में अधिकांश इलाकों तक फैला हुआ है। ज़्यादातर रेलगाड़ियां भी इसी पटरी पर से गुजरती हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास रोचक है। भारतीय रेलवे बहुत से रोचक तथ्यों को समेटे अपने आप में एक अनूठा नेटवर्क है। 1072 मीटर लंबे खड़गपुर रेलवे स्टेशन को दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता है। वहीं फेरी क्वीन दुनिया में सबसे पुराना इंजन माना जाता है, जो अभी भी कार्यरत है। भारतीय रेलवे के अंतर्गत एक विशेष तरह की रेल भी चलाई जाती है, जिसे लाइफलाइन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसे हॉस्पिटल ऑन व्हील भी बुलाते हैं, जिसमें ऑपरेशन रूम से लेकर इलाज तक की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। सबसे लंबी दूरी की रेल के बारे में बात की जाए तो कन्याकुमारी और जम्मू तवी के बीच चलने वाली हिमसागर एक्सप्रेस का नाम आता है, जिसका रूट 3,745 किलोमीटर है। कुछ और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया जाए तो जन शताब्दी ट्रेन की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इंटरनेट के जरिए आरक्षण लेने का प्रावधान साल 2004 से प्रारंभ हुआ। वहीं 2007 में टेलीफोन नंबर 139 द्वारा सामान्य ट्रेन पूछताछ सेवा समूचे देश भर में शुरू की गई थी। इसी के साथ सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स ने भारत की भव्य गाड़ियों को, जिनमें डेक्कन ओडिसी, पैलेस ऑफ व्हील्स एवं करीब 100 साल पुराने टॉय ट्रेन शामिल हैं, उन्हें विश्व की 25 सर्वश्रेष्ठ ट्रेनों की सूची में शुमार किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया भारतीय रेलवे के गौरवशाली इतिहास के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्द मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।